अविनाश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आज ईटी न्यूज स्वदेश पर स्वागत है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अविनाश जी क्रूड पहुंच गया है 13 साल क्रूड की कीमतें हैं, लेकिन ये सीधे के सीधे तौर पर नेगेटिव है ओएमसीज के लिए। हालांकि थोड़ा बहुत इन्वेंट्री गेन इनके लिए आता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में क्या करना चाहिए? एचपीसीएल में क्या ये निवेशित रहें, या फिर अभी के माहौल को देखते हुए बेहतर ये होगा कि जो कंपनियां उत्पादन वाले बिजनेस में है ओएनजीसी ऑयल इंडिया, वहां पर शिफ्ट हो जाना ज्यादा बेहतर स्ट्रेटजी? आपने सही कहा कि जो अपस्ट्रीम कंपनीज है, जैसे कि ओएनजीसी है, ऑयल इंडिया है, तलान एक्सप्लोरेशन है, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन, ये सारी कंपनीज को डेफिनेटली बेनिफिट सिग्निफिकेंटली मिलेगा। हालांकि यू नो क्रूड कितना समय तक ऊपर रहता है वो कहना मुश्किल है, लेकिन हमारा मानना है कि मान लीजिए कि अगर यू नो रशिया यूक्रेन का वॉर खत्म भी हो जाती है तो करीबन $15-20 आपको क्रूड में करेक्शन देखने को मिलेगा। डेफिनेटली को दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी और मुझे लग रहा है कि इसका नतीजा ये होगा कि एचपीसीएल जो इन्होंने खरीदा है वो शायद यू नो कम से कम 5 या 6 महीना अंडर परफॉर्म करेगा। तो अगर ये चाहे तो ओएनजीसी में थोड़ा सा यू नो क्वांटिटी ये शिफ्ट कर सकते हैं, यू नो हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन में भी पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि जो रिस्क रिवॉर्ड अभी प्रेजेंटली अपस्ट्रीम कंपनीज में वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में काफी कम है। प्लस सभी को पता है कि अभी स्टेट इलेक्शंस के नतीजे आने के बाद एक जो होगा वो शायद इमीडिएटली पास थ्रू नहीं होगा, बट अभी तो हर लीटर पेट्रोल और डीजल का ऊपर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एक्चुअली लॉसेस कर रही है क्योंकि क्रूड की कीमतें काफी बढ़ी है। तो मेरी राय में स्विच करें और अगले 6 महीने में अगर ये करते हैं तो इनको डेफिनेटली यू नो रिस्क रिवॉर्ड एचपीसीएल से काफी फायदेमंद मिलेगा। तो ऑयल इंडिया और टिपिकली हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन और ओएनजीसी, ये 2-3 काउंटर्स। ठीक है, तो समझदारी इसी में होगी। अभी जो सेंटिमेंट है उसके लिहाज से कि आप अपनी पोजीशन को स्विच कर लें, सेम स्पेस में आपको बेहतर स्टॉक्स, बेहतर मौके आपको मिल जाएंगे। चलिए अगले दर्शक का सवाल लेंगे। आलोक ने हमें व्हाट्सएप किया है और टीसीएस को लेकर इनकी क्वेरी है। इनके पास 100 शेयर हैं 3700 रुपए के भाव पर। अविनाश जी, टीसीएस पर भी आपसे ही व्यू लो, उसके बीच में जो आईटी स्टॉक्स हैं वो एक कॉन्ट्राबेट, एक थोड़े से डिफेंसिव बेट साबित हो सकते हैं। आप टीसीएस क्या आप निवेशित रहने की सलाह देंगे? लग रहा है कि देखिए अगर निवेशक के पास कम से कम साल डेढ़ साल का टाइम फ्रेम है तो हिस्टोरिकली भी हमने देखा है कि टीसीएस नॉर्मली अपने बायबैक के प्राइस से सिग्निफिकेंटली यू नो क्रॉस कर चुका है। पिछले यू नो बिजनेस कमेंट्री है, जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है, हमको लग रहा है कि आईटी एक ऐसी स्पेस है जहां पे ऐसे वोलेटाइल मार्केट्स में इन्वेस्टर्स को जरूर अपना पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा मानना है कि रुपया अगर वीक होता है तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट भी यू नो करेंसी का अर्निंग्स के ऊपर आएगा। प्लस ओवरऑल जो टेलविंड्स है क्लाउड में, डिजिटल स्पेस में, वो बहुत ही बेहतर है। टीसीएस को जरूर खरीदिए, लेकिन कम से कम साल डेढ़ साल का नजरिया रखिए। हमको लग रहा है कि 4,000-4,100 का नियर टर्म का प्राइस काफी अट्रैक्टिव लग रही है। अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए टाटा मोटर्स में डेफिनेटली नियर टर्म में जो हेडविंड्स है वो काफी नेगेटिव है। आपने सही कहा कि क्रूड के कीमतें और पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली इसका इंपैक्ट ऑटोमोबाइल सेल्स पे आएगा। तो एटलीस्ट कम से कम आने वाले 2-3 महीने के लिए तो डेफिनेटली कंडीशन थोड़ी सी चैलेंजिंग रहेगी, बट मैं ये कहूंगा कि रशिया यूक्रेन का वॉर अगर यू नो खत्म होता है तो खत्म होने के बाद आपको क्रूड में एक भारी इक्वाली का ट्रेंड देखने को मिलेगा। करीबन जैसे मैंने पहले कहा है कि $20-25 क्रूड गिरने की पॉसिबिलिटी है एक बार ये रशिया क्रूड, लेकिन मैं इनको लॉस में डेफिनेटली टाटा मोटर्स बेचने की राय नहीं दूंगा। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली कंपनी अच्छी तरह से बाउंस बैक करेगी FY23 में, तो थोड़ा सा समय इंतजार करें, कम से कम 3-6 महीने का एक व्यू रखिए और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कोई पैनिक सेल ऑफ मत करिए, क्योंकि ओवरऑल ऑन ग्राउंड जो डिमांड गाड़ियों की है वो काफी स्ट्रांग है और कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में इस साल भी हमको लग रहा है कि 18-20% की वॉल्यूम ग्रोथ आएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली डोमेस्टिक और तो इंतजार करें और थोड़ा सा मीडियम टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको होल्ड करने की राय दें। देखिए मुझे लग रहा है कि अभिषेक डेफिनेटली श्रीराम प्रॉपर्टीज का जो आईपीओ का परफॉर्मेंस है वो कोई ज्यादा यू नो अट्रैक्टिव नहीं है और शेयर होल्डर्स को जिन्होंने भी नए शेयर होल्डर्स है उन्होंने काफी समय से यू नो गवाया है। मेरे ख्याल से अगर अवधि कम से कम 1.5-2 साल कोई रखना चाहे तो ही इस कंपनी में निवेश करना चाहिए। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में चैलेंजेस रहेंगे,
लेकिन हमको लग रहा है कि इनका जो मेन सेगमेंट है वो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट है। यहाँ पे इनकी काफी अच्छी इन्वेंट्री है, काफी अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्राइस में मुझे लग रहा है कि मोटा मोटी काफी नेगेटिव ऑलरेडी फैक्टर इन होगी। 12 to 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखिए, जिनके पास है वो होल्ड करे, और मुझे लग रहा है कि फ्रेश निवेश थोड़ा सा एक हाथ क्वार्टर के बाद किया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी। क्योंकि ओवरऑल हमको लग रहा है कि जो भी कंपनियां ने आईपीओ एग्रेसिव प्राइसिंग की थी, वहां पे निवेशक थोड़ा सा ऑलरेडी कॉशियस है, तो यहां पे फ्रेश बाइंग में अवॉइड करना कहूंगा। लेकिन जिनके पास है वो होल्ड करे, डेफिनेटली नंबर जैसे आएंगे यहां पे अच्छी खासी रीरेटिंग खरीद नहीं करनी है। आगे री रेटिंग की उम्मीद इसकी बरकरार है, तो आपके लिए थोड़ा नुकसान तो जरूर हो रहा है। आपके निवेश पर हम देख रहे हैं कि 25-30 रुपए के आसपास का नुकसान है, लेकिन अभी आप बने रहिए क्योंकि बाजार का सेंटिमेंट भी वीक है, उसके चलते भी थोड़ा इंपैक्ट आ रहा है स्टॉक्स पर। अगले दर्शक को जोड़ेंगे, अब नोएडा से संजीव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजीव जी सुप्रभात, पूछिए क्या जानना है आपको। ठीक है संजीव जी, से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन इनकी इनका सवाल हमारे पास जरूर आ गया है। मारुति के 10 शेयर हैं 7,850 रुपए के भाव पर, और इसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है 30 शेयर 1,266 रुपए के भाव पर। अविनाश जी आप ही राय दीजिए, मारुति हम देख रहे हैं कि ये बहुत ही तेज सेल ऑफ आज भी इसमें हावी है, और ये जो है निफ्टी का 5.5% के आसपास के करेक्शन आज के सत्र में हमें देखने को मिल रहे हैं। मारुति कंसर्न्स वही है, जो जो चिंताएं कहीं ना कहीं टाटा मोटर के लिए है वही मारुति के लिए भी है, लेकिन मारुति के लिए एक चिंता थोड़ी सी टाटा मोटर के लिए अविनाश जी बड़ी है कि अभी तक इनके ईवी को लेकर जो प्लान्स हैं वह मुकम्मल नहीं हुए हैं, और अभी तक बहुत पुख्ता कोई इस पर लेकर कंपनी की प्लानिंग नहीं है, कितनी चिंता बढ़ सकती है मारुति के लिए। देखिए अभी मारुति में जो सेल ऑफ आया है वो ज्यादातर क्रूड के प्राइसेस का उछाल के कारण आया है। किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि क्रूड 118-119 डॉलर तक जाएगा और ये रशिया यूक्रेन का वॉर इतना बड़ा हो जाएगा। मेरे ख्याल से जिन्होंने इन्वेस्ट मारुति में किया है थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि इस कंपनी की सबसे बड़ी खासियत है कि पैसेंजर कार मार्केट में अभी भी ये 50% एंजॉय करते हैं। तीसरे क्वार्टर के बाद कंपनी पे अभी काफी ग्रोथ नंबर्स अच्छे हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, करीबन 46,000 करोड़ की कैश कंपनी के पास में है, तो मुझे लग रहा है कि गिरावट जरूर है, शॉर्ट टर्म में थोड़े चैलेंजेस जरूर रहेंगे, लेकिन जिनको लंबी अवधि के लिए ये शेयर खरीदना है मेरे ख्याल से मौका मिस करना नहीं चाहिए, थोड़ा सा और एवरेज करे, बट डेफिनेटली नजरिया कम से कम 12-15 महीने का रखे। तो मारुति में मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ, मुझे लग रहा है कि क्रूड एक बार स्टेबिलाइज होगा, सेल मत करिए, यही मैं निवेशक को कहूंगा। बिल्कुल अभिषेक आपने सही कहा, क्योंकि देखिए कंपनी की जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कमजोर है। ये जो इंडस टावर की जो डील है इसमें मोटा मोटी कंपनी के हाथ में मुश्किल से 2,500-3,000 करोड़ बचेंगे, और जिस प्रकार का घाटा इस कंपनी रिकॉर्ड कर रही है, करीबन 6,500-7,000 करोड़ का घाटा हर क्वार्टर कर रही है, पॉजिटिव नहीं रिकॉर्ड करती, तब तक ये कहना मुश्किल है कि ये कंपनी कब तक अपने ऑपरेशन सस्टेन करेगी। ये कहना शायद ठीक रहेगा कि अस्पताल में पेशेंट को अभी ऑक्सीजन पे रखा गया है, वो कितने दिन जिंदा रहता है वो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली कंडीशन क्रिटिकल रहेगी। तो निवेशकों को इस शेयर से जरूर निकलना चाहिए, अगर टेलीकॉम में अगर निवेश करना ही है तो मुझे लग रहा है कि भारतीय एयरटेल डेफिनेटली एक अच्छी बहुत सिग्निफिकेंट टेलीकॉम का प्लेयर है, और 5G रोल आउट के लिए भी अभी तैयार है। वोडाफोन की प्रॉब्लम है कि उनको 5G रोल आउट के लिए भी फंडिंग लगेगी, और जिस प्रकार से अभी सौमित बता रहे थे कि वो कर्जा और बैलेंस शीट पे लेंगे, तो इससे इनकी कैश फ्लोज और इनके डेट पोजीशन और भी खराब हो जाएगी, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से निकल जाना ही ठीक रहेगा, और अगर किसी को निवेश करना ही है तो टेलीकॉम में भारतीय एयरटेल विल बी अ बेटर चॉइस। देखिए मुझे लग रहा है कि अभिषेक शेयर ने काफी अंडर परफॉर्मेंस रिकॉर्ड किए, और काफी लोग है कि जिस प्रकार का इनका लोन बुक है, इनकी एसेट क्वालिटी है, ज्यादातर जो भी नेगेटिव्स है वो प्राइस में फैक्टर्ड इन हो गए हैं, लेकिन अभी भी एग्जीक्यूशन जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इस कंपनी की काफी ढीली है, तो मुझे लग रहा है कि देखिए अगर निवेशक ने काफी बड़ा पैसा यहाँ पे निवेश किया है, काफी बड़ी क्वांटिटी है, तो ये कम से कम 1-2 quarters थोड़ा सा और इंतजार कर रहे, क्योंकि जैसे जैसे GDP ग्रोथ बढ़ेगा, नॉर्मल सी आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनफैक्ट इस बजट में भी गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत फोकस दिया है, तो होपफुली इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर ज्यादा खर्चा होता है पैसा, और यहाँ पे L&T की पेरेंटेज होने के कारण इनको बिजनेस भी मिलता है, अगर एग्जीक्यूशन ठीक ठाक होती है तो वापस मुझे कोई डाउट नहीं कि ये कंपनी में जरूर एक बाउंस बैक आएगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कम से कम 12-15 महीने का व्यू लेके काम करिए, इसमें डाउनसाइड ज्यादा नहीं है, लेकिन अपसाइड तभी आएगी जब एग्जीक्यूशन अच्छी होगी, और ऑब्वियसली होल्ड करें,
निराश ना हो जाए, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे अगले 2-3 क्वार्टर्स कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है अविनाश जी, एक सवाल और है, उसमें दो छोटे छोटे सवाल मैं क्लब करूंगा। देखिए एलएमटी फाइनेंस जैसी कंपनी में इन्होंने 10,000 शेयर खरीद लिए और अब इनके टोटल पोर्टफोलियो पर हम देख रहे हैं 3 लाख रुपए के आसपास का नुकसान है, जानकारी नहीं है और विजिबिलिटी नहीं है। इसमें लोग इस तरह से टूटते हैं, थोड़ा सा स्टॉक नीचे आता है, तो ऐसे दर्शकों को आप क्या सलाह देंगे? और दूसरा, जिनके पास अगर मान लीजिए एलएनटी है जो कि कंस्ट्रक्शन दिग्गज है, उसके फंडामेंटल्स को लेकर सवाल नहीं है, ऑर्डर वो काफी तगड़ी है, हालांकि बाजार के करेक्शन में काफी शार्प फॉल वो भी दिखा रहा है, उसको लेकर आपकी क्या सलाह होगी? देखिए अभिषेक, पहली बात है क्योंकि उनका शेयर प्राइस बहुत कम होता है और इसीलिए वो बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे एक्यूमुलेट करते हैं, बट ये बात देखते नहीं कि कितनी विजिबिलिटी, कितने क्वार्टर्स के लिए ये कंपनी कॉन्फिडेंट है। हमको लग रहा है कि इस बाजार में अभिषेक आपको ऐसी कंपनीज पे फोकस करना चाहिए जहाँ पे कम से कम 2-3 क्वार्टर्स की रेवेन्यू विजिबिलिटी कंफर्टेबली आपको पता है कि आने ही वाली है। और इसीलिए शायद आपने सही कहा कि अगर हम एलएनटी की बात करें तो एलएनटी के पास ऑर्डर बुक भी है, इसमें निवेश करना चाहिए जो बेसिकली सेक्टर लीडर्स है और जहाँ पे कम से कम 2-3 क्वार्टर्स के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी। एलएनटी फाइनेंस का प्रॉब्लम यह है कि इनकी रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत कम है, एग्जीक्यूशन भी वीक है, तो नॉर्मली लोग प्राइस देख के बड़ी क्वांटिटी एक्यूमुलेट करते हैं, तो ये बिल्कुल करना नहीं चाहिए। आपको बिजनेस देखना चाहिए, ऑर्डर बुक देखना चाहिए और एग्जीक्यूशन देखना चाहिए अगर आपको इंफ्रा या कंस्ट्रक्शन कंपनीज में निवेश करना है। और सबसे बड़ी बात, छोटी कंपनीज में सिर्फ प्राइस मत देखिए, उसकी वैल्यू देखिए कि मैं बड़ी क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर रहा हूं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि प्राइस क्यों गिरा है और इसमें क्यों डी रेटिंग हो गई है, तो प्राइस से ज्यादा वैल्यू पे फोकस करिए। मुझे लग रहा है कि मैंगलोर केमिकल्स में पोजीशन होल्ड करिए, मुझे लग रहा है काफी निचले लेवल से स्टॉक चला है और Q3 के नंबर्स के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी पॉजिटिव थी। हमारा मानना है कि यहाँ पे भी जिस प्रकार की इनकी थ्रूपुट की कैपेसिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाले सालों में अच्छी ग्रोथ आएगी। हालांकि क्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन जो है वो ऑयल के प्राइसेस के ऊपर डिपेंडेंट है, तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली थोड़े से चैलेंजेस है, लेकिन करंट प्राइस पे मुझे लग रहा है कि नेगेटिविटी पूरी तरह से फैक्टर्ड इन है, तो यहाँ पे जिनके पास है वो होल्ड करें। फ्रेश निवेश मुझे लग रहा है कि एक हाथ क्वार्टर के नंबर्स आने के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं, बट डेफिनेटली होल्ड करने की राय रहे। अभिषेक मुझे लग रहा है कि देखिए ये कंपनी है, इनको स्केल अप होने में थोड़ा सा समय लगेगा, हालांकि पोटेंशियल काफी सिग्निफिकेंट है। निवेशक को मैं यही कहना चाहूंगा कि कम से कम एक साल भर का नजरिया रखिए, क्योंकि इस माहौल में ऐसी छोटी जो कंपनियां है यहाँ पे स्केलेबिलिटी का इशू होता है। सबसे बड़ी बात, तेजी के बाजार में ये शेयर काफी अच्छे चले थे, बट डेफिनेटली तभी किसी को अर्निंग्स की फिक्र नहीं थी। पूरी तरह से वैल्यूएशन कैच करना चाहिए जहाँ पे रेवेन्यू विजिबिलिटी अच्छी है, बैलेंस शीट अच्छी है, कैश फ्लो अच्छा है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इस कंपनी को थोड़ा सा स्केल अप होने में समय लगेगा। तो मैं कहूंगा कि लॉस में मत बिकिए, बट डेफिनेटली कम से कम साल 1.5 साल अगर नजरिया है तो ही होल्ड करिए, क्योंकि उसी टाइम फ्रेम के बाद इसमें अच्छी खासी अपसाइड या स्केलेबिलिटी देखने को मिल सकती है। अभिषेक बिल्कुल सही, क्योंकि 5G रोल आउट अभी होना बाकी है और 11,000 करोड़ की तो ऑर्डर बुक है, लेकिन ये ऐसी कंपनी है जो ऑप्टिक फाइबर इंटीग्रेटेड तरीके से पूरी अपनी खुद की फैसिलिटी में बनाती है और पूरे ग्लोबल में सिर्फ 6-7 कंपनियां हैं और उसमें स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का नंबर लगता है, तो ऑर्डर बुक अच्छी है, डिमांड आउटलुक भी काफी अच्छा है। मेरे ख्याल से वो पूरी तरह से 18 मंथ्स का टाइम फ्रेम लगेगा, तो थोड़ा सा ये एवरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि काफी हद तक ये जो भी नेगेटिविटी थी ऑप्टिक फाइबर प्राइसेस में चाइना को लेके वो अभी खत्म हो चुकी है। अभी कोई ओवर सप्लाई नहीं है या अंडर कटिंग ऑप्टिक फाइबर में नहीं है, प्लस इस कंपनी के जो ऑपरेशंस है वो नॉट ओनली इंडिया में है बट यूरोप में है, दूसरे कंट्रीज में भी है, तो इसका फायदा भी कंपनी को मिलेगा। तो डेफिनेटली अगर 1.5-2 साल का नजरिया है तो थोड़ा सा और एक्युमुलेट करिए और निवेशित रहिए। देखिए अभिषेक, इस कंपनी में जो नैरेटिव्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग थे, इनफैक्ट नैरेटिव्स का मतलब जो स्टोरी बनाई गई थी वो अभी भी काफ़ी बड़ी है। ऐसा मानना है मार्केट रिपोर्ट्स के हिसाब से कि ये कंपनी टाटा का जो सुपर ऐप बनने वाला है